गांधी जी के कहने पर, जबकि भारतीय जो हमारे गांधी जी थे वो तो कांग्रेस के थे, हिंदू समर्थक थे, लेकिन गांधी जी हिंदू मुस्लिम को एक करना चाहते थे। उस समय बहुत ज्यादा जरूरत थी कि हिंदू मुस्लिम अपनी एकता का प्रदर्शन करें। तो गांधी जी ने कहने पर खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ और गांधी जी ने क्या किया कि अपनी केसरी हिंद की जो उपाधि मिली हुई थी उनको इंग्लैंड की महारानी के द्वारा, उसको वापस अंग्रेजों को लौटा दिया। किसके विषय में? इसको मुद्दा बनाते हुए, धार्मिक गुरु के पद को समाप्त करने के विषय को मुद्दा बनाते हुए अपनी केसरी हिंद की उपाधि को वापस अंग्रेजों को लौटा दिया। और भारत में 19 अक्टूबर 1919 को, समय क्या है, 19 अक्टूबर 1919 को पूरे भारत में क्या बनाया गया? एक ऐसा दिन बनाया गया जिससे सारे हिंदू मुस्लिम एक हो गए और एक आंदोलन चलाया गया और इसके साथ ही असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया गया। खिलाफत के साथ ही हिंदू मुस्लिम दोनों की एकता को लेकर, हिंदू मुस्लिमों ने दोनों ने मिलकर भारत में असहयोग और खिलाफत आंदोलन चलाया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद खिलाफत आंदोलन खत्म हो गया। इसके साथ जब 10 अगस्त 1920 को सैबरे की संधि होती है, उसमें तुर्की का विभाजन कर दिया जाता है और तुर्की को एक धर्मनिरपेक्ष देश का औहदा दे दिया जाता है और जो खलीफा पद है उसको पूरी तरह समाप्त कर दिया जाता है। उसके साथ ही हमारा खिलाफत आंदोलन खत्म हो जाता है। अगला आंदोलन हमारा शुरू होता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, भारतीयों कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि क्यों ना एक ऐसा आंदोलन चलाया जाए जिसमें हम अंग्रेजी सरकार का सहयोग ना करें। जैसा कि शब्दों से शब्द काट के देखिए, असहयोग नहीं करेंगे इसका अंग्रेज वर्ण का, हम अंग्रेज सरकार का सहयोग नहीं करेंगे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, हम अपनी जो हमारे बेसिक सुविधा है वो हमारे भारतीय सम्मान से शुरू करेंगे। हम अपने विद्यालय खोलेंगे, हम अपना भारतीयों का सम्मान बनाएंगे। और इसके साथ ही 1919 और 1920 के बीच में हमारा असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है। गांधी जी ने दो मंत्र दिए थे कि हम कभी भी इस आंदोलन में हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे। सबने एक साथ वादा दिया कि हिंसा का प्रयोग न करते हुए अहिंसात्मक रूप से एक शांतिमय आंदोलन शुरू करेंगे। आंदोलन बड़ा अच्छा चल रहा था, लगभग 30,000 लोगों ने पहली बार आंदोलन में भाग लिया और जेलें भर गई भारतीयों से। ये पहला समय था जब 30,000 लोग असहयोग आंदोलन में भाग ले रहे थे और जेलें पूरी तरह भरी जा चुकी थी। जनता अपना शांतिपूर्वक आंदोलन चला रही थी, आंदोलन चल रहा था, लेकिन अचानक क्या होता है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरा चोरी नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को शांति से चलते हुए आंदोलन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पुलिस ने हिंसा का प्रयोग किया। तो शांतिपूर्वक चलती हुई जब भीड़ पर पुलिस अत्याचार करने लगी तो जनता के बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने पुलिस चौकी को आग लगा दी। पुलिस चौकी को आग लगाते ही हमारे आंदोलन का रूप क्या हो गया, हिंसा का, हिंसात्मक रूप हो गया। जबकि गांधी जी ने क्या कहा था कि हम आंदोलन कौन सा करेंगे, शांतिपूर्वक और हिंसात्मक। आंदोलन जैसे ही हिंसा का रूप लेता है गांधी जी बड़े ही दुखी होते हैं और वो तुरंत 12 फरवरी 1922 को फैसला लेते हुए असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। ये बहुत ही दुख भरी बात थी कि आंदोलन इतनी चढ़ाई पर था और अचानक से ये डिसीजन लिया गया। हो सकता था, कुछ हमारे इतिहासकार कहते हैं कि यदि 12 फरवरी 1919 को गांधी जी आंदोलन वापस ना लेते तो हमारा भारत तब का ही आजाद हो जाता। इस बात से, इस आंदोलन स्थगित करने की बात को लेकर बड़े बड़े नेताओं ने
मेरे लिए बहुत ही कष्टदायक बात है। हमारे नेहरू जी ने और दो तीन और नेताओं ने एक अपनी अलग स्वराज पार्टी की इससे दुखी होकर स्थापना कर ली 1923 में। तो ये आंदोलन चरम सीमा पर था, लेकिन गांधी जी का एक ही शब्द था कि समय आएगा हम आजाद होंगे, अहिंसात्मक रूप से आजाद होंगे। हमारा चौथा पॉइंट आता है साइमन कमीशन। असहयोग और खिलाफत आंदोलन हमने कर लिया, उसके हमारे अगला आता है साइमन कमीशन। 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए अंग्रेज सरकार ने एक साइमन कमीशन भारत में भेजा। साइमन कमीशन गठित किया गया 1927 में, जिसमें 7 सदस्य थे। 7ों के साथ अंग्रेज थे, उनका अध्यक्ष था सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन 1927 में इंग्लैंड में गठित किया गया। उसे भारत जब भेजना था तो उसमें 7 सदस्य थे, 7ों में से 7 के साथ अंग्रेज थे और उनका जो अध्यक्ष था वो सर जॉन साइमन था। ये साइमन कमीशन बॉम्बे पहुंचता है 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को सर जॉन साइमन कमीशन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन जब पहुंचता है भारत के बंबई में, तो वहां पे बहुत सारे जो हमारे भारतीय लोग थे उनके द्वारा विरोध किया गया। जब विरोध किया गया तो वहां पर जो पुलिस थी उसने उन भारतीय लोगों पर लाठीचार्ज किया और लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए, साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए लाला लाजपत राय ने अपनी जनता का नेतृत्व किया। लाला लाजपत राय बड़े ही जोश से अपने भारतीयों का, पंजाब के लोगों का नेतृत्व कर रहे थे साइमन कमीशन के खिलाफ कि पुलिस ने उसके ऊपर लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज इतना गंभीर तरीके से किया गया कि कुछ दिनों बाद ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। ये था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की एक ही बात थी कि इसमें जितने भी सदस्य थे सबके सब अंग्रेज थे। अंग्रेज थे तो क्या हुआ, एक कमेटी तो आई थी, वो क्या करने आई थी, 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने आई थी। 1919 के अधिनियम की समीक्षा अगर अंग्रेज ही करते हैं तो उनको भारतीयों के दर्द का पता क्या, भारतीयों के साथ क्या हो रहा है, उन्हें क्या अधिकार मिल रहे हैं, इसका अंग्रेज क्या करेंगे। वो तो एक रिपोर्ट बनाएंगे, एवरीथिंग इज ऑल राइट, निकल जाएंगे। लेकिन अगर उसमें एक भी भारतीय होता तो वो भारतीयों की आवाज उठाता। तो इसलिए हमारे भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया था कि एक भी भारतीय होता तो हमारी आवाज इंग्लैंड तक पहुंचाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इस कारण साइमन कमीशन का विरोध हुआ। उसके बाद हमारा अगला स्टेप आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। जब साइमन कमीशन हो गया, सबसे पहले हो गया रॉलेट एक्ट, एक बहुत बड़ा अत्याचार। उसके बाद हो गया जलियांवाला बाग हत्याकांड, एक बहुत बड़ा अत्याचार। उसके बाद असहयोग आंदोलन का असफल होना, खिलाफत आंदोलन का असफल होना, फिर साइमन कमीशन का आना, वो भी सारे अंग्रेज सदस्यों के साथ। तो इतने जो आघात हो चुके थे, भारतीय उसे सहन नहीं कर रहे थे। तो क्या होता है कि दिसंबर 1930, दिसंबर 1929, सॉरी यहां पे 29 आएगा, दिसंबर 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के किनारे रात के 12 बजे, लास्ट डेट थी 30 दिसंबर 1929, मतलब हमारा 30 आने वाला था, 1930 आने वाला था। 30 अगस्त 1929 को जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा रावी नदी के किनारे एक झंडा फहराया गया। पहली बार थी जब ये झंडा फहराया गया, तो वहां पे शपथ ली गई कि हम पूर्ण स्वराज लेके रहेंगे। उसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया गया। 1919 के साइमन कमीशन के विरोध के बाद हमारा अगला स्टेप है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा, सविनय, विनय सहित अवज्ञा विरोध करेंगे, प्रार्थना सहित विरोध करेंगे अंग्रेजी गवर्नमेंट का, जिसने नमक जो हमारी मूल वस्तु है उसके ऊपर
कर लगा दिया, इतना आघात तो झेला ही झेला एक हमारी खाने की वस्तु पर जिसका हमारा अधिकार था, जिसके ऊपर उसके ऊपर भी कर लगा दिया। तो गांधी जी का साथ लेते हुए नेहरू जी ने एक प्रस्ताव पास किया, कब 30 दिसंबर 1930 को साबरमती नदी के किनारे, कि अब हम पूर्ण स्वराज लेके रहेंगे। एक अपना झंडा फहराया। उसके साथ ही गांधी जी क्या करते हैं, अपने 78 सदस्यों को लेकर एक डांडी यात्रा शुरू करते हैं, साबरमती आश्रम से लेकर डांडी तक। डांडी समुद्र तट के किनारे गुजरात में है, तो ये सारा जो डिस्टेंस है, दूरी है, 200 किलोमीटर तक आती है। 200 किलोमीटर की दूरी अपने 78 यात्रियों के साथ, अपने 78 साथियों के साथ पूरी करते हुए गांधी जी नमक कानून तोड़ते हैं 6 अप्रैल 1930 को। इतिहास में इस यात्रा को डांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। 6 अप्रैल 1930 को जब गांधी जी डांडी पहुंचते हैं तो अपने हाथ में मुट्ठी भर नमक उठाते हैं और नमक कानून को तोड़ते हैं और अपनी भारतीय जनता को कहते हैं कि इस पे कर नहीं है, ये तो हमारी मूल वस्तु है। अब बहिष्कार होगा अंग्रेजों की हर उस वस्तु को का जो भारतीय यूज करते हैं। उसमें क्या आता है, वस्त्र आते हैं, जूते आते हैं, उनके स्कूल आते हैं, उनके कारखाने आते हैं, उनकी पंचायतें आती हैं। हम अपनी पंचायत बनाएंगे, हम अपने स्कूल बनाएंगे, हम अपनी हर उस वस्तु का प्रयोग करेंगे जो सिर्फ भारतीय होगी। तो उसके साथ ही शून्य अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। 5 मार्च 1931 को बात होती है जब अंग्रेज गवर्नमेंट देखती है कि ये तो असहयोग आंदोलन में से भी बड़ा ऊपर का आंदोलन है। असहयोग आंदोलन में तो 30,000 व्यक्ति थे जो जेलों में भरे गए थे, लेकिन यहाँ जेलों में भरने की संख्या 60,000 पार कर चुके थे। 60,000 भारतीय अंग्रेजों में भरे जा चुके थे, जेलें भर चुकी थी, कोई भी खाली नहीं बची थी। अंग्रेज पगला गए थे, हैरान हो गए थे कि हमारी हर चीज का विरोध हो रहा है। नमक पर कानून लगाया था वो तक विरोध हो गए हैं, लोग उनका विरोध कर रहे हैं। तो उन्होंने बड़ी होशियारी से, अंग्रेजों ने बड़ी होशियारी से कांग्रेस के साथ एक समझौता किया। उस समझौता जो होता है 5 मार्च 1931 को, इस समझौते का नाम होता है गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता। इस समझौते का नाम है गांधी इरविन समझौता या गांधी इरविन पैक्ट। 5 मार्च 1931 कब होता है, 5 मार्च 1931 को। जब 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है तो अंग्रेज कहते हैं कि आप इस आंदोलन को वापस कर दो, आपको क्या चाहिए, एक डोमिनेंट स्टेट्स चाहिए, अपना एक ऐसा क्षेत्र चाहिए जिसमें आप मनमर्जी कर सको, अपनी आजादी से रह सको, और उसका कंट्रोल कौन करे, महारानी करे, इंग्लैंड की महारानी करे। लेकिन वही भारतीय, सीधे भारतीय फिर अंग्रेजों की चाल में आ गए। उन्होंने 5 मार्च 1931 के बाद बंद कर दिया शून्य अवज्ञा आंदोलन। शून्य अवज्ञा आंदोलन बंद हो जाता है। गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में बुलाया जाता है। गांधी जी जब गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं तो वहां उनको क्या मिलता है, गांधी जी को लगा था कि हमारे भारत की स्थिति का इंग्लैंड में चल रहे गोलमेज सम्मेलन में कुछ मुद्दा उठाया जाएगा, लेकिन वहां तो कुछ नहीं था। गांधी जी गए, वहां के पत्रकारों तक ने उनका उपहास उड़ाया। गांधी जी जब गोलमेज सम्मेलन में पहुंचते हैं तो हम उनकी पोशाक को देखते हैं कि एक सिंगल धोती में रहते हैं वो। जब वो गए तो वहां उनको ऐसे ऐसे शब्दों से संबोधित किया गया कि गांधी जी का मन पसीज गया। चलो फिर भी वो कहते कि मैं मेरे देश के लिए ये अपमान सहूंगा। वो गोलमेज सम्मेलन में बैठे लेकिन वहां पे उनको कुछ नहीं मिला सिवाय अपमान के। तो वो वापस भारत आते हैं। भारत आकर पुनः 1932 में शून्य अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। लेकिन शून्य अवज्ञा आंदोलन अब वो लहर नहीं पकड़ पाया जो पहले वाली चल रही थी। अंग्रेजों ने चालाकी की,
स्थगित करवाया आंदोलन और फिर गोलमेज सम्मेलन में बुलाते हैं, चालाकी से देते कुछ नहीं है, अपमानित किया जाता है और वापस भेजा जाता है। तो क्या होता है, गांधी जी बड़े ही दुखी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि सारे आंदोलन की असफलता का कारण मैं हूं और वो 1933 में कांग्रेस के सदस्यता से अपना इस्तीफा दे देते हैं। इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म हो जाता है।